बात भी होगी कि आपने कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कौन कौन सी हर्डल आपके सामने आ सकती है। तो अब देखो यहाँ पर दो चीजें, कहते लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी। लाइफ एक सफर है, बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ। तो सी का क्या मतलब है, व्हाट इज सी? देखो सी इज चॉइस, सी का मतलब है आपकी चॉइस। यानी आप अगर खुदा ना खास्ता एक स्टूडेंट है जिसका मैथ्स का टक्कर नहीं हुआ, उसने सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, और सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। क्या नहीं जा सकते इधर? मैंने कहा क्यों? कहते ये सिर्फ डॉक्टर्स अलाउड है। मैंने कहा सर ठीक है, आपकी बात की मैं कदर करूंगा, लेकिन एक बात ये बता दूं, डी में एंट्री टेस्ट का जिस दिन भी सिलेक्शन हो गई ना, यहां मैं जरूर आऊंगा। पर फेल वाली बात याद है, पर फेल में ईशा ने सी रखा था कि मैंने सी एस एस का एग्जाम दिया, पास हो गया ना, सबसे पहले तुझे बुलाऊंगा। मुझे याद है मैंने उससे ये बोला था, निकल गया ना यहाँ मैं उसे घेड़वा पाया कि बच्चा पागल है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा घर आया, टाइम लिखा है, डेट रजिस्टर लिखा, एंट्री टेस्ट हो गई, सिलेक्शन हो गई। मेरा फोर्थ ईयर था, मैं अचानक क्वेटा आया था एक रात, सेम ऐसे कोई कंडीशन हुआ था, मैं सिविल हॉस्पिटल में से ही काम से गया था, तो मुझे ना वो कहा नहीं आना, मैं कर सकता हूँ आज चाचा से मिल के आता हूँ। मैंने व्हाइट फोटो उठाया, स्टैप उठाया, वहां गया हूँ, चाचा बैठे हुए, वही बोलना। मैंने कहा चाचा क्या हाल है? कहते ठीक। उसने गेट खोला, मैं कहा नहीं चाचा, ये गेट आपने मेरे लिए नहीं खोला, इस व्हाइट कोट स्टेप उसको के लिए खोला। चाचा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, मैंने कहा पास से स्टेप उसको और व्हाइट कोट की खुश हंसने हुई, सिर्फ व्हाइट कोट की बात है। वो बड़ा खुश हुआ, इससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गई कि भाई आज प्रूव किया जो मेरे लिए कमी थी, आज उस शख्स के साथ आ गई। तो आपका व्हाइट कोट, आपकी स्टेथोस्कोप आपका असल सेवर है। मानता हूं ये वो चीज है, स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट, आप जितने भी करोड़पति अन्य